दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आज की पहली बड़ी खबर बता दें, जो कि साइक्लोन अम्फान को लेकर आ रही है, कि बंगाल में भारी तबाही पर 12 लोगों की गई जान, 5200 मकान हुए क्षतिग्रस्त, उखड़े पेड़। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फान बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हातिया के बीच कहर बरपाता हुआ तट से टकरा गया। इस दौरान हवा की गति 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी और बंगाल में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। चक्रवात की चपेट में आने से 12 लोगों की जान चली गई है, कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। और आपको बता दें हजारों पेड़ उखड़ गए हैं, तेज हवा और भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। कच्चे मकानों के साथ साथ कोलकाता समेत कई इलाकों में कई पुरानी पक्की इमारतें भी धराशायी हो गई हैं। और कई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी 24 परगना जिले में करीब 5200 घरों को क्षति पहुंची है। और आपको बता दें कि राज्य संवाददाता के मुताबिक बिजली के खंभे, लैंप पोस्ट, टेलीफोन टावर, ट्रैफिक सिग्नल धराशायी होने के साथ नदियों के तटबंध तक टूट गए हैं। अम्फान को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस महाविनाशकारी तूफान से दक्षिण बंगाल में भारी तबाही हुई है। सागर द्वीप से तूफान के टकराकर दाखिल होने के बाद 135 से 140 किलोमीटर की रफ्तार में हवा चल रही थी, जिससे मची तबाही कल्पना से परे है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सचिवालय में अम्फान को लेकर बने कंट्रोल रूम में खुद मौजूद थी। चक्रवात की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सचिवालय के कई गेट व खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में रात 9 बजे तक जो खबरें आई हैं, उसके अनुसार पेड़ गिरने से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिले में 12 लोगों की जान चली गई है। अधिकांश जाने पेड़ की चपेट में आने से हुई है। और तूफान को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ममता से टेलीफोन कर बात की और हालात की जानकारी ली। आपको बता दें तूफान को देखते हुए कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम को संचालन बंद कर दिया गया। कोलकाता में सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए हैं। कोलकाता में हवा की गति 120 से 133 किलोमीटर प्रति घंटे रही और कोलकाता में 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भी सड़क, बिजली, पुल, संचार व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आपको बता दें ममता ने कहा कि जिस तरह की सूचनाएं मिली हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि तूफान से 1,00,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। कहा कि पीने का पानी से लेकर अन्य आवश्यक सामान संपर्क कटे क्षेत्रों तक पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। सरकार ने पहले ही 5,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, जिससे काफी हद तक जनजीवन के नुकसान को नियंत्रित किया जा सका है। आपको बता दें कि तूफान के टकराने से पहले बंगाल और ओडिशा में तटीय इलाकों से 6.58 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया था। बांग्लादेश में 24 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया है। गुरुवार दोपहर 3 बजे अम्फान को लेकर गठित टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है। इसमें नुकसान और तत्काल लोगों तक राहत पहुंचाने और संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को लेकर चर्चा होगी। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि 1 जून से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों की सूची जारी, आज से होगी बुकिंग, जाने ट्रेनों का रूट। जी आपको बता दें कि रेलवे ने पहले जून से चलने वाली 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इनके लिए टिकट की बुकिंग गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। टिकट की बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही होगी, कोई भी स्टेशन काउंटर नहीं खुलेंगे। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि इनमें AC, नॉन AC और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। मंगलवार को केवल नॉन AC ट्रेनों के चलने की बात कही गई थी। रेलवे की ओर से जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम है। आपको बता दें कि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बिना रिजर्वेशन के यात्रा की अनुमति नहीं होगी। जनरल कोच के लिए भी टिकट बुक किया जाएगा। इसके लिए यात्री को सेकंड सीटिंग का किराया देना होगा और उसे एक आरक्षित सीट मिलेगी। अन्य सभी श्रेणी में किराया सामान्य ट्रेनों जैसा ही रहेगा। इन ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन आगे तक का टिकट लेने की अनुमति होगी। वेटिंग और RAC का टिकट भी नियमानुसार मिलेगा, लेकिन वेटिंग वालों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तत्काल ऐप प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। और कर्नाटक में 2 अंतरराज्य ट्रेनों के संचालन की अनुमति भी रेलवे ने दी है। ये दोनों स्पेशल ट्रेनें बेंगलुरु हुगली, बेलगावी और मैसूरी बेंगलुरु के बीच चलेगी। इनके लिए भी RRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही टिकट की बुकिंग होगी। इनका संचालन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा।
और अब बता दें कि 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। एयरपोर्ट और एयरलाइनों को तैयारी करने के दिए गए निर्देश। जी हम बात करें कि कोरोना संकट के कारण 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 25 मई से घरेलू उड़ानें एक बार फिर से शुरू होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये घोषणा करते हुए सभी एयरपोर्ट और एयरलाइनों को तैयारी रहने को कहा है। सरकार के इस फैसले से पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे लोगों को बड़ी राहत मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, घरेलू नियमित कमर्शियल उड़ानें 25 मई सोमवार से शुरू हो जाएंगी। इसके लिए सभी एयरपोर्ट और एयरलाइनों को इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। फिलहाल सीमित उड़ानों को ही इजाजत दी जा सकती है, लेकिन पुरी ने इंटरनेशनल फ्लाइटों की नियमित उड़ानों के शुरू होने के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा है। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए एहतियात के तौर पर सभी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही 25 मार्च से बंद कर दी गई थी। पुरी ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि घरेलू उड़ानें 25 मई 2020 से फिर से शुरू होंगी। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइनों को इसके लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों को उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा, एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों और एयरलाइनों के लिए विस्तृत आचार संहिता के बारे में बाद में अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। और अब अगली खबर बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से की चर्चा, महाराष्ट्र को खोलने का दिया सुझाव। जी हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के चलते शैक्षणिक संस्थानों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बात रखी। उन्होंने एक अध्ययन समूह के गठन की मांग की कि शिक्षा की प्रक्रिया बाधित ना हो। पवार ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति और विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा की। पवार ने ट्विटर पर कहा कि मैंने निम्नलिखित विषयों पर अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अगले शैक्षणिक वर्ष में देरी होगी। इसके चलते छात्रों और शिक्षकों की संख्या में कमी आएगी। शैक्षिक संस्थानों और तकनीकी संस्थानों की आय पर प्रभाव पड़ सकता है। पवार ने लिखा कि वित्तीय घाटे के कारण कुछ शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने की भी आशंका है। पवार ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को नुकसान ना हो और शिक्षा की प्रक्रिया बाधित ना हो, इसके लिए एक अध्ययन समूह या समिति को समय पर उपाय करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें एनसीपी प्रमुख ने आगे लिखा कि उन्होंने राज्य में उद्योगों के बारे में बात की है और बताया कि कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा कि राज्य और राज्य के बाहर के गांवों से पलायन करने के कारण फैक्ट्रियां फिर से शुरू होने की स्थिति में नहीं है। पवार ने कहा कि हमें उन्हें वापस लाने के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। शरद पवार ने महाराष्ट्र में कार्यालय, बंदरगाह और अन्य उद्योगों को खोलने के बारे में भी सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। अभी तक राज्य में 37,136 मरीज सामने आ चुके हैं और 1,325 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि केरल की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर बता दें कि शिवराज चौहान का ऐलान, प्रवासी श्रमिकों को काम देगी सरकार, बनाए जाएंगे जॉब कार्ड। जी आपको बता दें कि दूसरे प्रदेशों से घर लौटे 4.63 लाख से ज्यादा श्रमिकों को अब सरकार रोजगार देगी। इसके लिए श्रमिकों का पंजीयन कराकर एक जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। वहीं उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न उद्योगों व अन्य कार्यों में लगाया जाएगा। ये बात बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। वे मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पंजीयन में श्रमिक की श्रेणी कुशल, अकुशल और अर्ध कुशल का साफ साफ उल्लेख करें ताकि उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिलाया जा सके। यहां अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित क्षेत्र 701 रह गए हैं। 10 जिले संक्रमण मुक्त हैं। इनमें कटनी, नरसिंहपुर और बालाघाट में अभी तक प्रकरण नहीं आया, जबकि 7 जिले आगर, मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, हरदा, शहरोल और शाहजहांपुर संक्रमण मुक्त हो गए हैं। खरगोल भी रेड से ग्रीन जोन में आ गया है। और वहीं अगली खबर बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,06,750। अब तक के 3,303 लोगों की जान जा चुकी है। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए देश में 24 मार्च से जारी लॉकडाउन का आज 56वां दिन है और साथ में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,06,000
6000 के पार पहुंच गया है, जबकि जान जाने वालों का आंकड़ा 3300 के ऊपर पहुंच गया है, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि लॉकडाउन 4 में केजरीवाल ने खोल दी दिल्ली, कैसे और क्या खुला, जाने पूरी रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि केंद्र की एडवाइजरी के अनुसार दिल्ली में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिनेमा हॉल, मॉल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और जिम इत्यादि बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान और धार्मिक आयोजनाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। सैलून और स्पा भी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। किसी तरह की बड़ी भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसी के साथ DTC सहित पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट संचालन की अनुमति दे दी गई है। DTC की बसों में अधिकतम 20 यात्रियों के साथ संचालन की इजाजत है। ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाने की भी इजाजत दे दी गई है। अब वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 में दिल्ली में क्या क्या खोला है और क्या बंद किया है। आपको बता दें कि 2 व्हीलर्स को मंजूरी, मगर टू व्हीकल पर एक ही व्यक्ति होगा। और घर से बाहर निकलने को मंजूरी, मगर मास्क पहनना अनिवार्य है। ओला, उबर जैसी कैब चलेगी, लेकिन 2 सवारी लेकर चलने की मंजूरी है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा भी चलेंगे, लेकिन एक एक सवारी के साथ। DTC की बसें चलेंगी, लेकिन बस में 20 से ज्यादा यात्री नहीं होंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन ऑड इवन नियम से लागू होगा। सोसाइटी और अपार्टमेंट में रोजमर्रा के जरूरी सामानों की सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन 2 गज का सोशल डिस्टेंसिंग नियम पालन करना होगा। वहीं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, लेकिन अभी दिल्ली के वर्कर्स को काम करने की इजाजत होगी। शादी समारोह की इजाजत होगी, लेकिन समारोह में 50 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन होम डिलीवरी ही हो पाएगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन सिर्फ खिलाड़ी ही आ सकेंगे। दर्शकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध सख्ती से लागू होंगे। और वहीं अगली खबर बता दें कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर हर्षवर्धन। नितिन गडकरी समेत कई मंत्रियों ने दी बधाई। जी आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जिम्मेदारी मिलने पर बधाइयों का तांता लग गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई लोगों ने ट्वीट कर बधाई दी है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें बधाई प्रेषित की है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि कोरोना के विरुद्ध भारत के प्रयासों को दुनिया सराह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बीमारी को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार संभालना है। हर्षवर्धन COVID-19 के खिलाफ देशव्यापी जंग में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नकातानी का स्थान लेंगे, जो कि WHO के 34वें सदस्यों के बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष हैं। और अब बता दें कि ससुराल सिमर का एक्टर आशीष राय का आया 2 दिन का 2 लाख रुपए हॉस्पिटल बिल। कहा, मेरे पास 1 रुपए नहीं बचा। जी आपको बता दें कि ससुराल सिमर के एक्टर आशीष रॉय अस्पताल में भर्ती हैं। हाल ही में उन्होंने फेसबुक के जरिए लोगों को जानकारी दी थी कि वे ICU में हैं और इलाज कराने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। एक इंटरव्यू में आशीष ने बताया कि उनके पास अब 1 रुपए भी नहीं है, जिससे वे हॉस्पिटल की फीस भर सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक में आशीष ने कहा कि 18 मई से मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। हालात काफी गंभीर है। 2 दिन में 2 लाख रुपए का बिल आ चुका है और आगे वह इलाज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। आशीष आगे कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, 2 लाख थे वे मैंने हॉस्पिटल में दे दिए हैं, क्योंकि 2 दिन का बिल इतना बना कर दिया था। अब 1 रुपए भी नहीं बचा है। कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वे फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। वायरस के चलते मुझे एक अलग वार्ड में रखा गया है, जो कि काफी महंगा है। मेरा डायलिसिस होता है और 4 घंटे तक चलता है। दवाइयां और इंजेक्शन भी काफी महंगे हैं। बता दें कि इस साल के शुरुआत में भी आशीष बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनके शरीर में करीब 9 लीटर पानी जमा हो गया था। डॉक्टर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद उनके शरीर से पानी निकाला था। गौरतलब है कि आशीष ने ससुराल सिमर का बनेगी अपनी बात, व्योमकेश बख्शी, यस बॉस, या बहू और बेबी, मेरे अंगने में, कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी और आरंभ जैसे कई TV शोज में काम किया है।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें, और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर, और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि नेपाली पीएम के बिगड़े बोल, कहा भारत से आ रहा कोरोना वायरस चीन इटली से ज्यादा घातक। जी हम बात कर रहे हैं कि लेपू लेक और काला पानी को अपना हिस्सा बताने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फिर से आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने बुधवार को कहा कि भारत से आ रहा कोरोना वायरस चीन और नेपाल से भी ज्यादा खतरनाक है। ओली ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध रूप से नेपाल में आ रहे भारतीयों की वजह से उनके देश में ये समस्या बढ़ रही है। नेपाल में बुधवार को 427 संक्रमित पाए गए हैं। संसद में कोरोना वायरस पर अपना बयान देते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल के लिए इस खतरनाक वायरस को रोकना मुश्किल होता जा रहा है और इसके पीछे देश के बाहर से आ रहे लोग हैं। नेपाली पीएम ने कहा कि बहुत से संक्रमित अवैध रूप से नेपाल में घुसे हैं, ये वायरस बाहर से आया है, हम सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं। ओली ने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना के बढ़ते मामले हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत से आ रहा कोरोना वायरस चीन और इटली से भी ज्यादा खतरनाक है। और अब बता दें कि कोरोना का असर, लॉकडाउन से घाटे से जूझ रही ओला करेगी 1400 कर्मचारियों की छंटनी। जी हम बात कर रहे हैं कि देश भर में 23 मार्च से जारी लॉकडाउन के चलते पूरा उद्योग जगत घाटे के दौर में गुजर रहा है, इसमें ऑटो सेक्टर भी शामिल है। देश की जानी मानी ऐप बेस्ड कैब राइडिंग सर्विस देने वाली ओला ने घाटे से उभरने के लिए 1400 लोगों को निकालने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान इसकी उसकी कमाई से जबरदस्त गिरावट हो रही है। और अपने कर्मचारियों को लिखे ईमेल में ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा कि महामारी ने ओला की कमाई को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। पिछले 2 महीने में उनकी कंपनी के रेवेन्यू में 95% की गिरावट आई है, जिसके चलते कंपनी बुरी तरह से घाटे में है। अपने ईमेल में वे लिखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संकट ने देश भर में हमारे लाखों ड्राइवरों और उनके परिवारों की आजीविका के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक स्थिति को प्रभावित किया है। भाविश अग्रवाल का कहना है कि महामारी के कारण पिछले 2 महीने से सवारी, वित्तीय सेवाओं और खाद्य कारोबार से उसकी आमदनी घटी है और इसके चलते कंपनी को कर्मचारियों को निकालने का फैसला लेना पड़ रहा है। और अब बता दें कि बसों पर सियासी घमासान के बीच मायावती का हमला, भाजपा कांग्रेस की घिनौनी राजनीति अति दुर्भाग्यपूर्ण। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चलाने को लेकर सरकार और कांग्रेस आमने सामने हैं। पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। बस का मुद्दा अब पूरी तरह से राजनीतिक नजर आने लगी है। भाजपा कांग्रेस के साथ अब इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है। उन्होंने दोनों ही पार्टियों पर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। बुधवार की सुबह उन्होंने लगातार 4 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि पिछले कई दिनों से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खासकर बीजेपी व कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं ये पार्टियां आपसी मिलीभगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इनकी त्रासदी पर से ध्यान बांट रही है। यदि ऐसा नहीं है तो बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही घर भेजने में मदद करने पर अड़ने की बजाय इनका टिकट लेकर ट्रेनों से ही इन्हें इनके घर भेजने की इनकी मदद करनी चाहिए, तो ये ज्यादा उचित व सही होगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।